नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन इमोशनल पैटर्न ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी नूं मैं अंडरलाइन करन लगा हाँ, इनफांट शब्द भी नाल यूज किया गया है। पंजाबी विच नवें बच्चे नवें जन्मे बच्चे का आम भावनात्मक पैटर्न की है। इंग्लिश नूं मैं फोकस कर रहा हाँ, सो मेरे को पैटर्न विच की ऑप्शन ने, अफेक्शन है, जैस मैंने लगता है कि हर बच्चा अफेक्शन चाहता है। अफेक्शन नैचुरली भी जेड़ा बच्चे की केयर कर रहा है, नैचुरली माँ केयर कर रही है ते उदे कोल ओ अफेक्शन जड़ी केयर दे रूप विच है लै रहा है, है ना। एंगर, एंगर असी कहने हाँ कि अग्रेसिव है ते मैनु गुस्सा बहुत आंदा है, मैं रोकना चाहना हाँ। गुस्सा सानू कदों आंदा है? सिंपल गल है, जदों भी तुसी कोई काम कर रहे हो, बेबी है वो कोई काम कर रहा है, वट एवर मूवमेंट कर रहा है, तुसी उदे विच रुकावट पैदा करते हो। अज भी तुहाडे काम विच कोई रुकावट पैदा करे तो तुहानू जिहड़ा इमोशन आंदा है एंगर आंदा है। सो नवे जमे बच्चे का यह गल हजे असी करनी है कि नवा जमया बच्चा इत्थे वन डे का कंसिडर होएगा जां ओ दो साल तक का ईयर तक का की होएगा। जे नवे बच्चे इनफैंट की गल हो रही है, नैचुरली है कि पहले कुछ महीनों की बारे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन फर्स्ट डे टू दो वीक या चार वीक तक कोई गल नहीं की। सो यदि कलैरिटी अगे चल के विद एविडेंस में करदा हाँ, हजे मैं कॉमन सेंस के बेस से इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दी कोशिश कर रहा। फीयर, मैं देखिया है कि छोटा बच्चे दे कोल लाउड एकदम नॉइज होवे तां तुसी भी डर जांदे हो, बच्चा भी डर जांदा है, रोण लग पैंदा। असी अक्सर कह दिंदे हां कि रात नूं बच्चा रोया शायद डर गया होना। जॉय, जदों बच्चे नाल तुसी खेडदे हो, बच्चे वर्गियां हरकतां करदे हो, वह समाइल दिंदा है, हसदा है, जॉय, यस है। अटेंशन, अटेंशन का हुण क्लीयर मतलब नहीं है कि अटेंशन सीक करता है। वैसे अटेंशन नूं अच्छी तरह नाल जे तुसी कंसीडर करना होवे, मैनूं कोगनेटिविज़म याद आ रहा है, कोगनेटिविज़म उसका सेंट्रल फर्स्ट स्टेप जिहड़ा है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नूं अच्छा बनाउणा, उसका पॉइंट है अटेंशन। जदों मैमरी मॉडल नूं कोगनेटिविज़म फॉलो करता है तां पहला शब्द आंदा है अटेंशन। जदों अल्बर्ट बांदुरा दी थ्यूरी फस्ट स्टैप, वो चार स्टैप ने, चार स्टैप चो पहला स्टैप आता है अटेंशन। सो अटेंशन एक कोगनेटिव आस्पैक्ट है जिस नाल तुसी ज्ञान इंद्रियां दे नाल किसी वस्तु ते फोकस करना हुंदा है। सो इत्थे क्वेश्चन केड़ा पुछया गया है, इमोशनल। असी जानते हाँ शुरू विच तुसी कितेओ भी पढ़िया होएगा कि जो डोमेन्स जां डायमेंशन पर्सनैलिटी दियां बिहेवियर दियां हुंदियां हन, कोगनेटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, सोशल, मॉरल, यही पढ़ते हैं ना। सो इत्थे डोमेन जिहड़ी पुछी गई है उहदे नाल अटेंशन मैच ही नहीं कर रही, दैट इज़ वाई मैं इत्थे शक किया है। हाँ मैं गलत हो सकता, दैट इज़ वाई क्वेश्चन है, मैं रिजैक्ट नहीं किया, इसलिए मैं अगले ऑप्शन जिहड़े है उन्हां नूं जरूर देखांगा। हुण मैं एंगर इत्थे ऑलरेडी यस कर आया हाँ, यस। फीयर यस कर आया हाँ, जॉय यस कर आया हाँ। क्रियोसिटी, कि बच्चे विच जानण दी उत्सुकता हुंदी है। डॉगल दिया जिहड़ियां 14 इंस्टिंक्ट्स ने उहदे विच क्रियोसिटी एक इमोशन है कि नवा जानण दी उत्सुकता साडे बर्थ दे दौरान ही हुंदी है। पर इमोशनल रिसर्च की इहनूं वेरीफाई करदी है, इसलिए ये सारे टिक हो गए, यस है, और ये थोड़ा जिहा मैं क्वेश्चन मार्क पा लिया है। हाँ हुण अफेक्शन है, इधर लव है। लव का मतलब मेरे हिसाब नाल देना हुंदा है, लव का मतलब केयर करना हुंदा है, इत्थे लव लेना है जां देना है। जे दूजा लव एक कॉम्प्रीहेंसिव शब्द है, शुरू विच लव नहीं हुंदा, तुहाडा कोई भी रिश्ता बनता है पहली नज़र में प्यार हो गया हो, एक कंसैप्ट बेशक है, लेकिन फिर तुसी एक्सपीरियंस नूं रिवाइज करके प्यार दी डेफिनेशन चाहते हो, और तो ही प्यार दी डेफिनेशन हौली हौली वड्डी करदे हो कि किन्नी केयर कीती जांदी है, किन्नी केयर दित्ती जांदी है। ये म्यूचुअल है, लव म्यूचुअल हो जाता है, अफेक्शन वन साइडेड इज पॉसिबल। ओके, एंगर यस मन सकते हाँ, फीयर मन सकते हाँ, लव तो थोड़ा जा क्वेश्चन है। अच्छा, इधर अटेंशन क्योंकि आ गया है, अटेंशन नू फिर इस दे बेस ते असी इसनू क्वेश्चन मार्क ते रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ तीन इमोशन ने, ये फीयर ते जॉय जिहड़े मैनू पक्का पता हुंदे ने वो शामिल नहीं हन, इसनू मैं रिजेक्ट कर रहा हाँ। इसनू मैं तीन इमोशन सिर्फ दिते गए ने, और अटेंशन पहला ही डाउट विच है, क्रियोसिटी पहला ही डाउट च है, ये भी पक्के कट्टे गए। राइट आंसर इज हर हालत विच
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਈਵਨ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ 0 to 2 weeks ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੋਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਏਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਹੈ ਐਂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਸਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਨੈਸ ਐਂਡ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟਨੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਜਨਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਦੇ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਕੀ ਥਿੰਕਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਰਲੌਕ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ 2 weeks ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਬਰਥ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 91 'ਤੇ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਬੇਬੀਹੁੱਡ ਇਹ ਬੇਬੀਹੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2, 4, 5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਫਸਟ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਗਰ ਹੈ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋਏ ਹੈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਰ ਹੈ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜੋਏ ਹੈ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 ਹਨ ਇੱਕ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੈ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਔਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹਰਲੌਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹਰਲੌਕ ਨੇ ਲਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਂਗਰ ਫੀਅਰ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈ ਐਂਗਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰਲੌਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਨੇ 2 ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਲਵ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 5ਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾਂਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। हु गेव टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? मेरे ख्याल से याद होएगा, ये पिछे डिस्कस हो चुका है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की गल की सी, उदे विच भी स्पीयरमैन की गल की सी। हुन मैं अडिशनल ये तुहानू दसन लगा हाँ कि किसी थ्योरी नू जे नाम ते उदे नाल रिलेटेड करैक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ इंटेलिजेंस किन्नियां इंटेलिजेंस सी उह याद रखनियां हन, ते उदा तरीका तुहाडे नाल सांझा करन लगा हाँ। स्पीयरमैन, आ देखो लिखिया होया है एक स्पीयर ते एक मैन, इहदा मतलब है टू जने हो गए, टू फैक्टर थ्योरी होगी, इस तरह याद रखिया जा सकता है। थर्स्ट ऑन, ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ, अठ स्टोन, अठ पत्थर, मतलब के अठ इंटेलिजेंसेज। स्टोन नू मैं इंटेलिजेंसेज च कन्वर्ट कर लिया। हुन अठ वो इंटेलिजेंसेज केड़ियां ने जिन्हां नू प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वी किया जाता है। एम नू मैं चुन के इदा लिख लिया, मल्टीपल, ये याद रखना है, मल्टी फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस है। फैक्टर इत्थे जरूर लिखना है। एक थ्योरी विच मैं दस्या है वीडियो विच के फैक्टर थ्योरीज वक्रियां ने और कॉग्निटिव थ्योरीज वक्रियां ने। जोड़ी थोड़ी मेन थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल फैक्टर या मल्टीपल इंटेलिजेंस च फर्क है, ओ गार्डनर दी है, गार्डनर च घूम रहे है, ठीक है। उसनु याद करने का तरीका फिर दसांगा जदों आएंगे। सो स्पीयरमैन टू हो गए, थर्स्ट ऑन दे अठ अखर लिख के, अठ मैं लिख लिया इंटेलिजेंस, वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। हेठा उन्हां दे तुसी नाम लिख सकते हो, मैं फोटो दिखा देना। अगे आ गए गिलफर्ड, मैं गिलफर्ड याद किदां रखदा हाँ कि ये जो इसनु वड्डा कर लेना है, पहला इसनु रब करके थोड़ा जिहा वड्डा कर लेने हाँ। गिलफर्ड मैं दसन लगा हाँ कि किदां सीखना है ए, ओके। मैं कि चक्या ए जो एल है, ए एफ है और ए जीरो है, ध्यान नाल देखियो गिलफर्ड दा। मैं इस नू उठा लिया, इसका बना लिया एक दो जीरो, 120 फैक्टर उन्होंने पहली बार दिते सी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस विच। इसे तो याद रख लिया एक दो तीन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। एक नू इहदे नाल जोड़ भी सकते हाँ जिस तरह मर्जी एसोसिएट कर लो, ठीक है, इन्ना के याद रह गया, मैमरी च आ जाता है। 120 फैक्टर सी, फिर रिवाइज हुई उन्हां दी थ्योरी, 30 फैक्टर वध गए, फिर रिवाइज हुण लेटेस्ट थ्योरी जे पुछी जावे 180 फैक्टर है। इंपीरिकली रिसर्च जिहड़ी हुई है वो लगभग 82 दे करीब उहदे फैक्टर मिलते हैं, ये गल्लां नहीं पुछियां जाणियां, UGC लैवल दीआं गल्लां ने। सो गिलफर्ड दे स्पैलिंग तो जदों इस नूं तुसीं इदां अपनी कॉपी ते लिख लोगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਵਰਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਹੈਰਾਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ, ਓਕੇ, ਵੀ ਚੱਕੀ, ਵੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਰਕੀ। इस दी इमेज जदों तुसीं देखदे हो वर्णनस हैरार्की, आ देखो वर्णनस हैरार्की, ए हैरार्की इस रुक बन गई, वी नूं उल्टा कर दिता। सो चार थ्योरीज है, मेरे ख्याल च एक बार तुसीं कॉपी ते लिखोगे ये तुहानूं बेसिक इन्फॉर्मेशन उहदी याद हो जाएगी। उसनूं ऐड ऑन करना है तो यह डायाग्राम जिहड़े है जां तुसीं इहनां ते कहोगे तो मैं वीडियो इंटैलीजेंस ते जिस तरह तुसीं सुजैसट करोगे मैनूं पता लगना चाहिए है उस तरह हो जाएगा। अगे चलते हैं। अच्छा राइट आंसर स्पीयरमैन सी, टू फैक्टर, ये गल हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोशल स्किल्स गिवन बाय यूनिसेफ, यूनेस्को एंड WHO? वेरी स्ट्रेंज, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, 30 दी सीरीज विच। स्किल्स केड़ियां हन, किस तरह करना है क्वेश्चन, ये जे लॉजिक बेस्ड ते असी करना है ट्रिक किहड़े अप्लाई करने हन। पहला सोशल है, जदों भी सोशल शब्द आंदा है बेशक सोशियो कल्चरल थ्योरी है, हमेशा ही ये समझना है घट तो घट दो मनुख हन, इसनु पहला पूरा बना लवा, घट तो घट दो मनुख हन, बेशक उहदे च डिफरेंस हन या नहीं। अच्छा दो मनुख हन, जे ये आप इकले टापू ते ही रह रहे हन, सोशल कुछ नहीं है, जदों ये इंटरैक्ट करते हन, इहदे नाल बोलते हन, इहनू सुनते हन, इहनू कह दिता जाता है, शब्द दस रहा है
इंटरैक्शन, ठीक है, वो वीडियो विच दस्या होया है जिहड़ियां पहला मैं रेफर करके आया हाँ। हुण इंटरैक्शन जे लगातार हुंदा है, थोड़ा स्टेबल इंटरैक्शन चलता है, उसनूं कह दिंदे हाँ असीं रिलेशन। तीजा शब्द आ सकता है ग्रुप, ग्रुप मिनिमम ग्रुप दो जनिया का हुंदा है। हुण जदों सोशल स्किल है, इट मीनस पुछया की गया है कि वो स्किल्स जिन्हां नाल असीं दूसरियां नूं समझ सकीए, अंडरस्टैंड कर सकीए, बस इन्ना ही लिखांगा, और बैटर रिलेशन बना सकीए, अच्छा इंटरैक्शन कर सकीए। किस तरह वो हुंदा है? थ्रू कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल लाइफ स्किल। जिहड़ी भी स्किल अदर्स ते फोकस करेगी वो सोशल स्किल होएगी। पर ये क्वेश्चन सब तो औखा किद्दां बन गया, इन्होंने केड़ियां स्किल्स दित्तियां हन? सब तो पहला एम्पथी। एम्पथी का मतलब हुंदा है कि एक शख्स है वो दूसरे दियां फीलिंग्स नूं समझ लेंदा है, फीलिंग नूं समझ लेंदा है। मोस्टली एम्पथी ते सिंपथी विच फर्क किया जाता है। सिंपथी विच सिर्फ तुसी सुनदे हो, लेकिन एम्पथी विच तुसी उहदा दुख समझदे हो, एक्शन लैंदे हो। मोस्टली एम्पथी उदों आउंदी है जदों उस तरह का दुख तुहाडे कोल भी हुंदा है, तुसी इनवॉल्व हो जाते हो, तुसी उहदे वर्गे बन जाते हो, सिंपथी विच नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और तिन्ना ने यूनिसेफ, यूनेस्को, हू ने इस नू किसी भी पक्षों ये कहा नहीं जा सकता कि सोशल स्किल नहीं है। हुण आ गई क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जदों भी शब्द आवे, क्रिटिकल दा ए एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ अवेलेबल इनफॉर्मेशन। जदों तुसी कोई भी इनफॉर्मेशन आंदी है उसनू एनालाइज करदे हाँ, वेरीफाई करदे हाँ, उत्ते क्वेश्चन पुछदे हो, उसनू एविडेंस ना कंपेयर करदे हो, उसनू अपने एक्सपीरियंस ना कंपेयर करदे हो, उसनू साइंटिफिक थ्यूरीज नाल, साइंटिफिक सच नाल कंपेयर करदे हो, तां तुसी क्रिटिकल थिंकर हो। तुसी वो सीरियल शायद देखते होवो कि जिहदे विच पाठक साहब वो लायर ने ते केस आंदा है, ते नैचुरली है क्वेश्चनिंग करदे ने। क्रिटिकल थिंकिंग नू कदे भी याद रखना है, लायर नू याद रख लेना, उस सीरियल नू याद रख लेना, तुसी वो क्रिटिकल एविडेंस देखते, कंपैरिजन करते, उस जगह पर जाके देखते हैं, एवें किसी के बयाना नू नहीं मन लेंदे, उस बयाना दे लई क्रॉस क्वेश्चनिंग करते, वो सारी क्रिटिकल थिंकिंग है। अच्छा, ये क्रिटिकल थिंकिंग जे तुसी बुक विच्चों किसी भी सोर्स चो कोई इनफॉर्मेशन आ रही है तो तुसी इवैल्यूएट करते हो। इहदा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विच दूसरे जाने का शामिल होना जरूरी नहीं है। हाँ, जो एम्पथी है, एम्पथी दूजे तो बगैर हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन मार्क च है कि सोशल स्किल है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग दियां जिन्नियां भी डिवीजन मैं देखियां हन, उहदे विच क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो एक कॉग्निटिव विच आ रही है, सोशल विच नहीं आ रही। सोशल विच कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस, कोऑपरेशन, एम्पथी, एम्पथी इसलिए असी फाइनल कर चुके हाँ। हाँ जी, दूसरा ये देखना होवे कि सोशल नाल सब तो क्लोजली रिलेटेड केड़ियां स्किल्स हन, ते वो हमेशा ही इमोशनल होणगियां, क्योंकि इमोशंस बेस बनते हैं हमेशा ही सोशल स्किल दा। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है उहदे कोल पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा ने, फॉर एग्जाम्पल वह ज़्यादा खुश रहिंदा है। तुसी देखो कि जिहड़ा शख्स ज़्यादा खुश रहिंदा है उहदे कोल तुहानूं जान बैठन नूं, उहदे नाल गल्लां करन नूं, उहदे नाल रहन नूं जी करेगा। एक बंदा जिहड़ा हर वक्त दुखी, खिजिया, डिप्रैशन, उदास, चुप रहिंदा है, नैगेटिव इमोशन लैके बैठा है, नैचुरली है कि उहदा रिलेशन, सोशल रिलेशन पुअर होएगा, बैड होएगा, उसनूं तुसी अवॉइड करोगे। एक शेर याद आ गया पंजाबी दा, ए दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज़ वकेंदी भा सजना। भा जिहड़ा रेट हुंदा है, प्राइस, बिजनेस वो मुल पैंदा ना बाजार दे विच। ए दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज़ वकेंदी भा सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसण दी आदत पा सजना। सो हसण दी आदत पा सजना मतलब पॉजिटिव इमोशन करना है, हसना है। जिहड़ा हसेगा ओदी सोशल स्किल, सोशल रिलेशन बैटर होणगे। इट मीनस सोशल स्किल्स इमोशनल दा बेस बनते हैं। जे तुसी इमोशनल इंटैलीजेंस दा कंसैप्ट चंगी तरह सुनिया होवे तां उहनूं सोशियो इमोशनल इंटैलीजेंस भी कहिंदे हन। जे तुसी इमोशनल इंटैलीजेंस दी रूट पूछनी होवे, क्वेश्चन आएगा अगे, पक्की गल है जिस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उहदी रूट है
थॉर्नडाइक दी थ्री टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिहदे विचों एक कंक्रीट सी, एक एब्सट्रैक्ट सी, एक सोशल इंटेलिजेंस सी। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੱਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 1990 ਜਾਂ 1995 'ਚ ਗੋਲਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਆਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੱਚ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਐਮਪਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ, ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੇਸਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਟਿੱਕ ਲਗਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਪਥੀ ਟਿੱਕ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, 1, 2, 3। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਵਰਡ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਦਾ, ਸਟਰੈਂਥਸ ਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪਥੀ 100% ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 100% ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਪਥੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 40-50-60% ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂਨੈਸਕੋ, ਹੂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ
सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, कोपिंग विद इमोशन आ रहा है, कोपिंग विद स्ट्रेस। सेल्फ अवेयरनेस साडा ऑप्शन सी क्योंकि इमोशनल है, सोशल इस तो बिना नहीं हो सकते, इसलिए असीं उसनों कर रहे हाँ। कोगनेटिव विच साडे क्रिटिकल थिंकिंग आई सी, कोगनेटिव विच क्लीयर डिवीजन की गई है कि परे है, इसलिए इनू रिजेक्ट कर रहे हाँ। हाँ एना एरिया जरूर शामिल है पर डोमीनेट नहीं कर रही, ठीक है। सोशल विच एम्पथी शामिल है, लेकिन एम्पथी दे नाल उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग नू पाया होया है क्या बात है। सो दैट इज़ वाई असी इहदे विच इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस दो ऑप्शन साढ़े को दो वर्ड्स हैगे हैं, दो स्किल्स प्रेफरेबल ने, इहदे विच सिर्फ एक है बचदी, इहदे विच सिर्फ एक बचदी है, जिदा ऑप्शन ना कंपेयर करिए, दैट इज़ वाई इहदा पलड़ा फिर भी भारी बन रहा है। अच्छा होर मैं ये स्किल्स WHO दियाँ स्किल्स सी क्लिक कर सकते हो, ये भी क्रिटिकल, लेकिन ये डिवीजन नहीं है। इस तो इलावा इन्हां दियाँ डेफिनेशंस पढ़िया, जिमें है सेल्फ अवेयरनेस नोइंग एंड लिविंग विद वन सेल्फ, ठीक ये भुलेखा पै रहा है वन सेल्फ। दिस थीम कवर्स टॉपिक फोस्टरिंग स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप वर्ड आया सेल्फ अवेयरनेस ने सोशल स्किल की फेवर ले ली। होर डिवीजन मिली है जिदे विच सेल्फ अवेयरनेस और ये देखो सेल्फ अवेयरनेस आ गया और इमोशनल रेगुलेशन ये चीज़ आ गई, ये दो ये फिर पहाड़ी हो गए। और इंटरपर्सनल स्किल विच तां एम्पथी इकली मिली है सानू, उदे नाल उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग इधर पाई होएगी, इधर नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एक जगह कली थिंकिंग भी पाया है। सो ये थिंकिंग स्किल है बिल्कुल बाहर जा रहा है, ये आधार पर असी राइट आंसर वाल जा रहे हैं। होर डिवीजन भी मैं देखिया, इन्हां दियां डेफिनेशन नू स्टडी किया, फिर देखिया कि सब तो वध पलड़ा भारी जिहड़ा है ऑप्शन डी का बनता है।